फगवाड़ा के मशहूर कौड़ा ज्यूलर के मालिक नूं एक अनजाण व्यक्ति वल्लों फोन कॉल करके जानों मारन दीआं धमकियां दिंदे होए 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है, जिस तों बाद कौड़ा ज्यूलर के मालिक सुनील कौड़ा वल्लों इस संबंधी फगवाड़ा पुलिस नूं सूचना दे दित्ती गई है। इस संबंधी गलबात करते हुए SHO सिटी अमनदीप नाहर ने दसाया कि कौड़ा ज्यूलर के मालिक सुनील कौड़ा वालों शिकायत दी गई है कि कई दिनों तो कोई अनपछाते बंदे फोन से धमकियां देंदे हुए 40 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, जिसते शिकायत मिलने तो बाद पुलिस वालों वक् वक् धारावान अधीन मामला दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है। उन्होंने दसाया कि जल्द ही इस मामले को ट्रेस कर लिया जाएगा। इस दे नाल ही SHO अमनदीप नाहर ने इलाका वासियों को अपील की है कि जेकर किसी को भी इस तरह का फोन आता है तो तुरंत ही फगवाड़ा पुलिस को सूचित करन। सानू सुनील कौड़ा जी इतने कौड़ा ज्वेलर्स बांसावाला बाजार इन्हों की ज्वेलरी शॉप है, तो इन्हों कुछ पिछले कुछ दिनों तो कोई बंदे अननोन नंबर तो फोन करके धमकियां दे रहे थे, जिसकी पैसे की मांग कर रहे थे, एक्सटॉर्शन कर रहे थे इन्हों, जिस दे संबंध में एक मुकदमा दर्ज किया गया जी। तो जो अननोन नंबर तो सी की पंजाब का नंबर है या बाहरों कितों आउंदी है धमकी? ये नंबर मे बी हो सकता है कि इंटरनेट कॉल कर रहे हैं, वही नंबर जी लगता है प्लस तो शुरू हो गए, जिस दे विच इतों 40 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, बार बार मैसेज भी कर रहे हैं, तो इससे असं 384 तो प्लस 66 FIT एक्ट के मुकदमा दर्ज किया है। इस तरह आम लोगों को भी फेक कॉल आ रही हैं, तो उस संबंधी प्रशासन वालों की कदम चुके जा रहे हैं? इन्हों ट्रेस करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं असं अपने टैक्निकल सेल में, तो जिड़े भी नंबर से फोन आ रहे हैं उन्होंने बारे पता किया जा रहा है। इन्होंने पैसे दिते भी उन्होंने कि नहीं दिते? नहीं हजे तक इन्होंने कोई पैसा नहीं दिता। कितनी बार कॉल आई है इन्होंने? इन्होंने पिछले हफ्ते तो 2-3 बार मैसेज थे, 2-3 बार इन्होंने बेटे कृष्ण कौड़ा के फोन पर भी कॉल्स आ रही थी। तो की ज लोगों से की अपील करते जिस तरह इदा दॉल बहरले नंबर तो आ रही हैं? असं तो लोगों को ये अपील करते हैं कि इन्हों तो बिल्कुल सतर्क रहो, कोई इन्हों के झांसे के फस के पैसे ना इन्हों पा दो, तो जे कोई इदा नहीं कोई कॉल आती है तो पुलिस को जरूर सूचना दी जाए। तो बंदे फड़न की आस की जा सकती है? बिल्कुल जी, बंदे जरूर इन्हें क्लीयर करा असं कितों नंबर कौन यूज़ कर रहा है, कौन टैरर फैला रहा है, लोगों के दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं। काफ़ी शहर के दहशत का माहौल पाया जा रहा है, की अपील करना चाहते हैं शहर वासियों? शहर वासियों ये अपील करते हैं कि जेकर किसी इस इदा फेक नंबर तो धमकी आँदी है तो उसको घबराने की लड़ नहीं, पुलिस को सूचना दी जाए, उन्होंने बनती कार्रवाई कर सके।